अब जहाँ पे आप पेड़ को कटवा देते हैं, तो एक पेड़ को कटवा देने से उसका जगह आप दो प्लान कर दीजिए, कहीं और जगह पे जाके आप तीन प्लान कर दीजिए या फिर 10 प्लान कर दीजिए। आई थिंक नेचर ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस में है रिगार्डिंग द क्लाइमेट डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी आर हैविंग। टू प्लांट ट्री टू प्रिजर्व एनवायरमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज इन आवर एनवायरमेंट फॉर ग्रीन क्लीन एंड फॉर अरुणाचल ऑल्सो। क्लीन अरुणाचल ग्रीन अरुणाचल का कंसेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। जो प्लांट ये सब है उसको आदमी मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका पब्लिक से क्या अपील रहेगा? देखिए मेरा तो सीधा सा बात है, मेरा तो पब्लिक से यही अपील रहेगा कि देखिए डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तो आधुनिक दुनिया के साथ साथ हमें भी कदम से कदम मिला के चलना बहुत ज़रूरी है, चलना भी चाहिए। बट हम मैं यही कहना चाहूँगा पब्लिक से कि अब देखिए डेवलपमेंट तो लाइए लेकिन साथ साथ अब जिस जगह पर अब जहाँ पर आप पेड़ को कटवा देते हैं, तो एक पेड़ को कटवा देने से उसका जगह आप दो प्लान कर दीजिए, कहीं और जगह पर जाके आप तीन प्लान कर दीजिए या फिर 10 प्लान कर दीजिए। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा, सो डेवलपमेंट के साथ साथ प्लांटेशन भी जारी रखिए, सो ट्राई कीजिए इकोलॉजी के जो है इसको बैलेंस रखने के लिए। अच्छा जैसे कि आप तो अरुणाचल 2022 है, तो आप मतलब आपसे यूथ लोग को बहुत उम्मीद रहता है, जैसे कि आप जैसे आज आपने अपने भाषण में ही कहा कि आज जो प्लांटेशन ड्राइव है एक तरह से ये प्लांटेशन ड्राइव से यहाँ तक नहीं है, ये प्लांटेशन से हम अरुणाचल को फिर से ग्रीन करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक नेचर ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस में है रिगार्डिंग द क्लाइमेट डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी आर हैविंग, एंड टू प्लांट अ ट्री वही हमारा एक बहुत मिनिमम सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एज एन इंडिविजुअल, एंड आई थिंक एवरी वन शुड डू दैट बिकॉज दैट इज़ हाउ वी आर गोना कंपनसेट फॉर द लॉसेस। माइसेल्फ आई एम योगिता ने प्रेसिडेंट ऑफ NSU आरजू दादी स्टूडेंट यूनियन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। टुडे plantation program is all about that is Van Mahotsav, that is called Festival of Trees. Today we have conduct this program in a small and yet example initiative. Our theme was each one plant one. We wanted to give a message to student community to plant tree to preserve environment and to protect the trees in our environment for green, clean and for natural also. देखिए सबसे पहले तो मैं RGSU हम लोग का निशी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका जो इनिशिएटिव जो लाया है आज, ऐसे भी ये जुलाई महीना पूरा वन मंथ ऑफ हम लोग का फेस्टिवल चलता है, तो इस दौरान उन्होंने भी अपना RGSU कैंपस में जो प्लांटेशन करने जो प्रोग्राम बनाया है काफ़ी तारीफ में। और जैसा मैंने कहा अपने भाषण में भी, इस बार हम लोग का जो प्रोग्राम है सकमा आजों को चलते हुए और हमको कुछ और इशू में इंडोर्स देकर रखा हुआ है प्रेसिडेंट जी इस तरफ से, तो ऐसे में हम लोग का जो इस मुहिम को वन महोत्सव को अफसों की तरफ से इस पर कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले समय में मैं थोड़ा पहले भी कहा हूँ आने वाले समय में हम लोग एवरी स्कूल में हम लोग का कोशिश कर रहे हैं कि वन महोत्सव को हम अच्छे तरह से मनाया जाए, एक ईच वन क्या था प्लान वन के हिसाब से, और क्लीन अरुणाचल ग्रीन अरुणाचल कंसेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे और साला अरुणाचल को हम लोग स्कूल में हम लोग प्लांटेशन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि सिर्फ प्लांटेशन बोल के नहीं, अब हम का स्कूल में उसके बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो भी हो एक गार्डनिंग का भी होना चाहिए कुछ कंसेप्ट, तो इसके चलते हम लोग गार्डनिंग का भी कुछ कंसेप्ट बनाएंगे और इसको प्लांटेशन के साथ गार्डनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग जितना सुंदर रहेगा उतना ही माइंड आपका अच्छा रहेगा, तो आने वाले समय में आपसे जरूर इसके इस विषय में हम लोग काम करेंगे जरूर। थैंक यू। बारिश में भी हम पानी दे रहे हैं। चले 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 फोटो।